अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? तो जनाब, आज का जो हमारा टूर है वो है कराची से मोरो की तरफ। तो हम सुपर हाईवे से अभी यहाँ से रवाना होंगे और मेरे साथ सीनियर साहब की जनाब शम्स कीरियो साहब भी हैं, और बल्कि यूँ समझिए कि उनकी रहनुमाई में ही हम लोग यहाँ से मोरो की तरफ रवाना हो रहे हैं, जो उनका आबाई गाँव भी है। तो रास्ते के कुछ मनाज़िर आपसे शेयर करेंगे, आपको दिखाएंगे और कुछ बातें भी होंगी। तो जनाब, अभी हमने नूरियाबाद पे कुछ देर के लिए स्टॉप किया है यहाँ पेट्रोल वगैरह भरवाने के लिए। तो इसके बाद आगे का सफ़र फिर हम शुरू करेंगे। तो जनाब, इस वक्त हम जान मोहम्मद गोट जो सकरन का एक नवाही गांव है, देहात है, बहुत ही खूबसूरत है। तो अब हम यहाँ पहुँचे हैं, दिन के तकरीबन 11:30 बज रहे हैं और मैं इन बच्चों से मिला हूँ। आप इनको देखें, बहुत ही खूबसूरत और बहुत मोहब्बत और दिल नवाज किस्म के बच्चे हैं ये। इनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है मुझे, और ख़ास तौर पर आप मेरे अकब में अगर देखें तो यहाँ की ब्यूटी का आप नज़ारा कर सकेंगे। और कमाल की जगह, यहाँ केले और कपास और मुख्तलिफ अनवाक़साम की जो है वो काश्त हुई हुई है। मेरा ये दिली शौक है, मैं इसके मैं सच बता रहा हूँ, ये मुझे गर्व नहीं था, मैं सोच रहा मेरा ये दिली शौक है, चाहे मुझको 3 लाख दे, 2 लाख दे, नहीं। यानी आपको इनमें से खास तौर पे किससे मोहब्बत है, ज़रा हाथ लगा के बताएं। इससे वो तो इससे है जो मेरे मुझको फादर दिए थे, वो तो इंत कर गए गुजार के। वाह, इसके बगल में तो आप इनका ख्याल भी रखते हैं सारा दिन? मैं अपने मैं अपना ख्याल रखता हूँ, उससे ज्यादा इस करता हूँ।
हमारे मेज़बान हैं, बड़े भाई हैं शमसकीरियो भाई के, बशीर अहमद भाई, उनसे थोड़ा सा इस गोट के बारे में जानते हैं। तो कुछ बशीर भाई अस्सलाम वालेकुम, थोड़ा सा बताइए। सलाम भाई, ये पुराना गांव है और हमारे दादे और नाना अली बश्क, तो हमारा नाना था वो तो अभी इस दुनिया में नहीं है। बहरहाल तो ये गांव जो उसके नाम पे मशहूर है। वो शमद हमारा छोटा भाई है, हम 6-7 भाई हैं और मारोट हैं। इधर हमारी फैमिली जो है सारी इकट्ठे रहते हैं और ये ओताक मकान जो बनी हुई है हमारी सारी इकट्ठे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मोरों से 6 तकरीबन 8 किलोमीटर ये गांव है। ये कीरिया रोड लिखा हुआ है, अली बश्कीरियों के नाम से ये रोड सड़क निकलती है हमारे गांव पे। ये हमारा है तो पुराना बहुत अच्छा गांव है, हम इधर रहते हैं, खुश रहते हैं, बिल्कुल खुश रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं? तो जनाब इस वक्त सुबह के 8 बज चुके हैं और हम लोग इस वक्त मोरों से आगे गांव है अली बश्कीरियों गोट, जो शमसकीरियो भाई के नाना के नाम से मंसूब है। और हम यहाँ रात ठहरे थे और क्या रात के मनाजिर थे और यहाँ की हरियाली देखकर दिल बाग बाग हो गया। तो अभी हमने नाश्ता किया है, भिंडी पराठे और मक्खन, ख़ास तौर पे दही, तो कमाल का नाश्ता था। हमने खेत खलियान और जो देहात के रंग होते हैं, मंदिर होते हैं, वो देखे हैं, मज़ा आया, एंजॉय किया है। इससे पहले हम लोग सकरण गए थे मोरो आने से पहले, तो सकरण में वहाँ का जो देही इलाका था उसकी मंजरकशी भी थोड़ी बहुत की थी, कुछ आप देख चुके हैं। तो वहाँ केले के बागात और कपास ख़ास तौर पे, और जो हरियाली थी वहाँ की वो देखने से ताल्लुक़ रखती थी। साथ ही एक छोटी सी नहर भी वहाँ बह रही थी और एक बिल्कुल जो देही मंजर होता है वो देखने को मिला। लोग बहुत प्यारे थे और बहुत मिलनसार, मोहब्बत करने वाले। इनके साथ मिलकर हमेशा ही दिली खुशी होती है। सिंध की धरती के ये लोग इतने खूबसूरत और बहुत मोहब्बत करने वाले हैं कि आप एक बार इनके मेहमान बन जाएं तो ये आपके आगे बीत जाते हैं। आपकी इतनी खिदमत करते हैं, इतनी मोहब्बत देते हैं कि आपका यहाँ से जाने को दिल ही नहीं करता। और मैं अपने आप को उन खुश नसीबों में शुमार करता हूँ कि हमारे दोस्तों में ऐसे अहबाब भी हैं जो मोहतरम हैं हमारे लिए। और जैसे शमसकीरियो हैं, वो अक्सर अपने गांव आते हैं तो हमें भी यहाँ की ज़्यारत करवा देते हैं, यहाँ की हरियाली की, यहाँ के लोगों की, यहाँ की बूदोबाश की। और यकीन करें कि इतना मज़ा आता है यहाँ आके, आदमी को एक पुरसकून माहौल मिलता है, अपने आप से बात करने का मौका मिलता है। और मेरा ख़्याल में ज़िंदगी में भी यही कुछ है कि ये जो नफ्सा नफ्ती का आलम है हमारे चार सू, इसमें अगर हम थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकाल लें और कुछ चीज़ों पर गौर करें, अपनी माजी की ज़िंदगी पर और हाल के बारे में, तो हमें बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा होता है और हमें पता चलता है कि हम कहाँ खड़े हैं। और हमें ये भी मालूम होता है कि हम किस हद तक गलत हैं और किस हद तक सही हैं। तो मेरा ख़्याल है कि अपना तजिया करने के लिए किसी न किसी ऐसे पुरसकून माहौल में ज़रूर जाना चाहिए कि जहाँ कम से कम आप हों, खुदा हो, ज़मीन हो। एक बात तो आपको बतानी भूल गया, वो ये कि यहाँ जो मैंने परिंदों की चहकार देखी और नित नए जो मैंने आज से पहले कभी देखे ही नहीं थे परिंदे, उनके नाम भी मुझे मालूम नहीं, तो कमाल किस्म का एक मंज़र था सुबह। अब कराची के लिए यहाँ से रवाना होंगे हम लोग और रास्ते भर में भी अगर कुछ हुआ तो इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करेंगे। चले जी शम भाई, चलो भाई, बिस्मिल्लाह, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।